नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज। ये सभी कीज आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी कीज को ध्यान से देखिएगा। आपको बताना चाहेंगे, हम आपको अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं किस रिलेटेड, यानी यहाँ पर आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बताने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट आपको एक्सेल की प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद पावर पॉइंट की प्रोवाइड करेंगे आपको अलग वीडियो में, जिससे आपको ज्यादा हॉज क्वेश्चन ना होने पाए, आप ज्यादा कंफ्यूज ना होने पाए। तो एमएस वर्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकती है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए। फ्रेंड्स, अगर आप कंट्रोल ए का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल ओपन डॉक्यूमेंट, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन है उसमें आप कुछ भी अगर टाइप किए हुए हैं उसको अगर आप पूरा एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा, कंट्रोल ए, जिससे वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस बी। तो इसका क्या होता है, बोल्ड कैरेक्टर्स। देखिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है, देखिए यहां पर राम लिखा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है राम। और ये देखिए राम, ये थोड़ा सा आपको मोटा दिख रहा होगा ना इससे, तो ये क्या किया है मैंने यहाँ पर, इसको बोल्ड किया हुआ है, जिससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल सी। सभी को पता होगा कंट्रोल सी से होता है कॉपी। अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा, कंट्रोल सी, जिससे वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं उसको नोट करना है, पेस्ट करना है, तो आपको वहां से कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी का यूज क्या होता है, ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो, ठीक है। कंट्रोल ई, सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। फटाफट देख लेते हैं एक बार, बहुत सारे हैं क्योंकि। कंट्रोल एफ देख लेते हैं, ओपन फाइंडिंग बॉक्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई वर्ड, यानी मान लीजिए अगर आपने अपना नाम लिखा है कहीं, कुछ भी लिखा है, आपको कोई वर्ड सर्च करना है अपने, ठीक है, आपने कुछ टाइप किया है वहां पर, आपने कई सारे वर्ड लिखे हुए हैं उसको आपको फाइंड करना है, ढूंढना है कोई एक वर्ड, तो आप यहाँ पर कंट्रोल एफ दबाएंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आप जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं उसको जब आप लिखेंगे तो वो सर्च कर देगा, ठीक है, जितने भी वर्ड होंगे उसमें वो सर्च हो जाएगा उसमें से। तो ये हो गया ओपन फाइंडिंग बॉक्स, फाइंडिंग मतलब ढूंढना। इसके बाद कंट्रोल एच, इसका यूज क्या होता है, टेक्स्ट रिप्लेस, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कंट्रोल आई, इसका मतलब होता है इटैलिक कैरेक्टर, जिसको मैंने एग्जाम्पल दे के बता दिया है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मिशन, देखिए बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, और ये देखिए जो लिखा हुआ है ये है आपका इटैलिक में, हल्का सा देखिए इससे तिरछा लग रहा होगा आपको, ये ऐसे लिखा है और ये लिखा है ऐसे, तो देखिए इस तरह से लिख जाता है इटैलिक में, हल्का सा तिरछा, ठीक है। आपको बोल्ड समझ में आ गया और इटैलिक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का क्या यूज है, लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। कंट्रोल के, इंसर्ट अ हाइपरलिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है हाइपरलिंक, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये सभी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल एल, सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। कंट्रोल एम, इंडेंट द पैराग्राफ। कंट्रोल एन, सभी को पता होगा, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडोज। अगर आप किसी एक विंडो पर काम कर रहे हैं, आपको दूसरा न्यू विंडो खोलना है, तो आप इसको कंट्रोल एन करेंगे तो आपके सामने एक और ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है, वहां आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल ओ, ओपन ओल्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप अपनी किसी भी पुरानी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ओ का यूज करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, वहां पर आपका सभी पुरानी फाइल दिख रही होंगी, आप वहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए आगे बात करते हैं, क्या होगा, कंट्रोल प्लस एम, ओपन द प्रिंट विंडो। क्या होता है, ओपन द प्रिंट विंडो, प्रिंट कुछ भी करना है आपको तो क्या करेंगे आप, यहां पर कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल प्लस आर, सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। कंट्रोल एल देखा आपने, वो लेफ्ट लेफ्ट साइड से था, कंट्रोल आर हो गया आपका राइट साइड से। कंट्रोल प्लस टी, क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट कंट्रोल यू, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल यू,
जिससे क्या हो जाएगा आपका अंडरलाइन टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। देखिए यहाँ पर राम लिखा हुआ है, नॉर्मल सा लिखा हुआ है, और ये राम देखिए इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, तो ये हो गया आपका अंडरलाइन। इस तरह से आप किसी भी चीज के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग के नीचे, जहां भी आपका मन हो। इसके बाद कंट्रोल प्लस वी, जिसका अर्थ होता है पेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कॉपी का क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी, ये हो गया आपका कॉपी का। कंट्रोल प्लस वी हो गया पेस्ट का, इससे आप भी कुछ भी कॉपी किए हैं तो पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, कट। याद रखिएगा इसे, एक्स का मतलब हो गया कट, सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी आप टेक्स्ट आपको काटना है उसको आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप कंट्रोल एक्स कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई, रीडू द लास्ट सेक्शन। ठीक है, जो भी आपको आपने कुछ गलती से हटा दिया है उसको आपको फिर से लाना है, तो आप क्या करेंगे, रीडू कर देंगे तो वो फिर से आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एस, सेव डॉक्यूमेंट। कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट अपना सेव करना है, जो भी आप टाइप किए हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एस। ये सभी आपको फाइल मेनू में मिल जाएगा, लेकिन आप शॉर्टकट की भी याद रखिए इसकी, सेव करने के लिए हो जाएगा कंट्रोल एस। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल की प्लस डब्ल्यू दबाने पर क्या होगा, क्लोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल जेड, अंडू। अभी मैंने आपको बताया था रीडू, ऊपर रीडू को क्या होता है, कंट्रोल वाई, अंडू का क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, यहां पर देखिए तीन की दबाना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्लस ए की, तो यहाँ क्या होगा, सेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स, क्या हो जाएगा, सभी आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा जो भी टेक्स्ट होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी, एड डबल अंडरलाइन टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसके नीचे आपकी डबल डबल अंडरलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इंड, मूव द कर्सर टू द इंड ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने लिखा होगा, अगर आप यहां पर आपका कर्सर है तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, एकदम लास्ट में आ जाएगा, कंट्रोल एंड। इसके बाद कंट्रोल प्लस राइट एरो, जब आप कंट्रोल की दबाएंगे उसके बाद आप राइट एरो दबाएंगे तो क्या होगा, मूव वन वर्ड टू द राइट। ठीक है, एरो देखा होगा आपने इस तरह से, तो इस ये हो जाएगा वन वर्ड आप राइट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस लेफ्ट, तो इसी तरह जब आप कंट्रोल लेफ्ट दबाएंगे तो आप क्या होगा, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड आप और इधर चले जाएंगे एक बार। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस अप एरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, कहाँ चले जाएंगे, पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डेल, यानी डिलीट, डिलीट्स वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर। फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बन सकती है आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इसके बाद आपको जो अगली वीडियो प्रोवाइड करेंगे सेपरेट, उसमें आपको एक्सेल की कीज बताएंगे, उसके बाद थर्ड वीडियो में आपको पावर पॉइंट की कीज बताएंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना होने पाए, आप आसानी से याद कर सकें। तो ये सभी है एमएस वर्ड की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वन, सिंगल स्पेस लाइन। कंट्रोल प्लस टू, डबल स्पेस लाइन। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी, इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी। नेक्स्ट है F1, जैसे कि सभी को पता होगा F12 तक की होती है, तो सभी का अलग अलग कीज होता है, जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ओपन हेल्प F12, रिपीट द लास्ट सेक्शन परफॉर्म्ड। F7, स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप किसी का स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं या ग्रामर चेक करना चाहते हैं किसी अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है किसी वर्ड का, तो आपको क्या करना होगा, F7 से वो सेलेक्ट हो जाएगा, चेक हो जाएगा। F12, सेव एज, आपने डॉक्यूमेंट लिखा है उसको उसी फाइल में और फिर से डाउनलोड करना चाहते, सेव करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, F12 दबा देंगे तो सेव एज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था,
ये सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है, करीब 550 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम पर, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।